जनपद का इंडिया टैप न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद उन्नाव के कस्बा बांगरमऊ में विगत 21 मई 2021 को सब्जी विक्रेता फैसल की पुलिस बर्बरता और पिटाई से हुई मौत, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा यश भारती सम्मान से सम्मानित प्रमुख समाजसेवी फारूक अहमद एडवोकेट ने पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय दिलाने व दोषियों के खिलाफ कठोर वाई करने के, पीड़ित परिवार को अधिकतम मुआवजा दिलाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। मैं फारूक अहमद एडवोकेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में यश भारती से सम्मानित और मैं वर्तमान में पिछले 31 वर्षों से उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत कर रहा हूँ। वकालत के साथ साथ मैं समाज सेवा भी करता हूँ। मैं जनपद उन्नाव के कस्बा बांगरमऊ का मूल निवासी हूँ। 21 मई 2021 को बांगरमऊ थाने के 2 सिपाहियों और एक होमगार्ड ने 18 वर्षीय फैसल, जो सब्जी बेचने का काम करता था, थाने में पीट पीट कर हत्या कर दी। जब सिपाही फैसल को पीट रहे थे, उस समय थाना इंचार्ज भी मौजूद थे। इससे स्पष्ट होता है कि थाना इंचार्ज की मौजूदगी में पुलिस वालों ने फैसल की हत्या की। जबकि बांगरमऊ थाने में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, उस पे थाना इंचार्ज का नाम मुल्जिम के रूप में नहीं उल्लेखित किया गया, जो एक दुखद बात है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 25 लाख का मुआवजा दे, जिससे कि पीड़ित परिवार अपनी जीविका का साधन चला सके, क्योंकि सिपाहियों द्वारा की गई हत्या की समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होती है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी जिला अधिकारी उन्नाव से आवश्यक जांच कराकर पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति का के मामले में रिपोर्ट मंगाकर पीड़ित परिवार को मांगी गई 25 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के रूप में देते हैं, तो इससे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार की लोकप्रियता में 4 चांद लग जाएंगे। और यदि उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजे के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं समाज सेवी होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए जनहित याचिका दायर करूंगा। धन्यवाद।